Hello students, so in the continuation of this chapter interference of light, today we are going to start very important topic, that is conditions of constructive and destructive interference. So students, last class में हमने इस chapter को start किया था, इस topic को start किया था कि भाई interference of light क्या होता है और theoretical aspect हमने interference of light का cover कर लिया था. मैंने आपको बताया था कि भाई interference of light is the phenomena of redistribution of light energy due to superposition of two light waves coming from two coherent sources. मतलब interference का मतलब होता है light waves का मिलना. अब कितनी light waves का मिलना? टू लाइट वेव्स का मिलना. और कौन सी लाइट वेव्स का मिलना? जो दो कोहेरेंट सोर्सेस से आ रही हैं. इसकी वजह से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी होता है. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी का मतलब होता है कि स्क्रीन पे हमें कहीं ब्राइट लाइट मिलती है, डार्क लाइट मिलती है, ब्राइट लाइट मिलती है. कंसेक्यूटिवली ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑब्टेंड ऑन द स्क्रीन. दिस पैटर्न इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. सो स्टूडेंट्स, एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का किया था और मैंने कोहेरेंट सोर्सेस के बारे में भी बात की थी कि व्हाट आर द कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट. क्योंकि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होने के लिए दो सोर्सेस का कोहेरेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. मतलब उनमें कोहेरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है. मतलब कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट क्या होते हैं? दीज आर द सोर्सेज ऑफ लाइट विच एमिट्स द लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम फेज और कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस थ्रू आउट. और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की फॉर्म में लाइट का पैटर्न मिलता है, दैट पैटर्न इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस पैटर्न. और ब्राइट फ्रिंज इज आल्सो कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इट इज आल्सो कॉल्ड द मैक्सिमा और ब्राइट बैंड. इसी तरह से हम डार्क फ्रिंज को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बोलते हैं और वहां पर डार्क स्पॉट या डार्क बैंड के नाम से भी उसको जाना जाता है. उसके बाद मैंने आपसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट डिस्कस किया था. हाइगन्स वेव थ्योरी के बेसिस पर हमने ये आपको बताया था कि भाई वेव फ्रंट की फॉर्म में जब लाइट प्रोपगेट करती है टू कोहेरेंट सोर्सेस से, तो दो वेव फ्रंट के सुपरपोजिशन से, टू वेव्स के सुपरपोजिशन से कैसे हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट में अल्टरनेट वेरिएशंस होता है और जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमारी स्क्रीन के ऊपर मिलती है वो मैक्सिमा मिनिमा की फॉर्म में मिलती है. तो इतना कर लेने के बाद स्टूडेंट्स, आपको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का आइडिया कुछ लग गया होगा. अब इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज की क्लास स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आई एंश्योर यू दैट डेफिनेटली एंड डेफिनेटली क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम फ्रॉम दीस टू टॉपिक व्हिच आई एम गोइंग टू कवर. पहला टॉपिक मेरा है कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और सेकंड टॉपिक मेरा रहेगा एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ. और ये हमारे सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का है. तो जो नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, हम ये जानेंगे कि भाई कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है. मतलब अब आप कहोगे सर ये कंडीशन कहां से आ गई? देखो ऐसा होता है कि जो हमारी लाइट वेव्स हैं, जो कोहेरेंट सोर्सेस से दो लाइट वेव हमारी आ रही है, इट इज ए डबल स्लिट फिनोमिना. तो बेसिकली क्या है कि उनमें क्या रिलेशन हो, मतलब किस तरह की रिलेशन उन दोनों वेव्स के बीच में हो ताकि हमें ब्राइट फ्रिंज मिले, स्क्रीन के ऊपर ब्राइट लाइट मिले, और क्या दूसरे तरह की रिलेशन उनके बीच में हो ताकि हमें डार्क लाइट मिले या डार्क फ्रिंज मिले या हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बने. तो एग्जाम में स्पेशली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई ड्राइव द कंडीशंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो ये तो आपको पहले से पता ही है कि भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है. ओके, अब मैं जो बात करने जा रहा हूं कंडीशन की, वो कंडीशन किसको लेते हैं? देखिए, कोई भी जो वेव होती है हमारी, चाहे लाइट वेव है, चाहे कोई साउंड वेव है, किसी भी तरह की जो वेव है उसका इंपॉर्टेंट फीचर होता है पाथ लेंथ एंड फेज एंगल. मतलब व्हेन द वेव इज ट्रेवलिंग, तो कितना पाथ लेंथ इसने ट्रेवल किया और कितना फेज एंगल स्टूडेंट्स इसने कवर किया, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो कंडीशन जो मैं ड्राइव करूंगा, अब आप ये बताओ कि कितनी वेव्स इसमें यूज होती हैं, हाउ मेनी वेव्स आर यूज. सर आप तो बता रहे थे टू वेव्स. यस, बिल्कुल सही है, टू वेव्स आर यूज्ड. तो उन दोनों वेव के बीच में
पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए और फेज डिफरेंस कितना होना। पाथ डिफरेंस का तो सिंपल ही मतलब है भाई जो हम पाथ लेंथ ट्रेवल करते हैं उसमें जो डिफरेंस होता है पाथ डिफरेंस होता है। जैसे मान लो आप अपने स्कूल चले गए, ठीक है, आपका दोस्त भी स्कूल गया, तो आपके दोस्त का रास्ता स्कूल जाने का दूसरा उसने अडॉप्ट किया, तो आपकी जो पाथ लेंथ है, जो आपने डिस्टेंस कवर की है स्कूल के लिए और आपके फ्रेंड ने जो की है, उसमें कुछ डिफरेंस रहा होगा। जैसे मैं यहां पर इस डायग्राम में आपको दिखा देता हूं, अगर मेरे दो सोर्स हैं S1 और S2, दीज आर द टू कोहेरेंट सोर्सेज, और यहां से लाइट पहुंच रही है पी पे, सुपरइम्पोज होके सुपरपोजिशन हो रहा है, पी पे पहुंच रही है, तो कौन सा वाला लाइट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? ऑब्वियसली S2 वाला। तो S2P माइनस S1P पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस इज सिंपली द डिफरेंस इन लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाई टू वेव्स फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज। इसी तरह से व्हेन द वेव इज ट्रेवलिंग दैट एंगल इज कवर्ड। तो इसी तरह से क्या होता है, उनके फेज एंगल में भी डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। यही हमें निकालना है, यही हमें बताना है कि व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस एंड व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव्स कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज, सो दैट देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड देर इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो हम यहां पर शुरुआत करते हैं, भाई हम ये तो कह ही रहे हैं कि भाई लाइट वेव्स आर कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज, तो इक्वेशन ऑफ लाइट वेव क्या होगा, सिंपल प्लेन वेव का इक्वेशन y = a sin ωt हो जाएगा। सो हमने ये अज्यूम कर लिया, सपोज टू लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज आर गिवन बाई, एक वेव जो आ रही है उसका इक्वेशन y1 sin ωt है और दूसरी वाली का b sin ωt + φ है। इन वेव की वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, इनके एम्पलीट्यूड अलग अलग है और दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस आप देख रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ वन वेव इज y1 = a sin ωt एंड इक्वेशन ऑफ सेकेंड वेव इज b sin ωt + φ। सो देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ φ, यही φ इंपॉर्टेंट है, यही हमें देखना है कि ये कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी अगर हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। सो y1 = a sin ωt एंड y2 = b sin ωt। तो अब मेरी इंटरफेरेंस कैसे होगी, इंटरफेरेंस मैंने क्या बताया, मिलना, तो ये जो दो वेव है इनको मिला दो ना भाई। देखो कैसे मिलाएंगे, y = y1 + y2 कर दो, दोनों को ऐड करने से, दोनों को कंबाइन करने से एक रिजल्टेंट वेव हमें मिलेगा। भाई इंटरफेरेंस का भंडा समझ लो बच्चों आप, इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है कि भाई दो लाइट वेव आपस में मिल जाती हैं और दो लाइट वेव आपस में मिलके कमाल करती हैं, धमाल मचाती हैं, रंग जमाती हैं। कैसे, ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू लाइट वेव्स there is an alternate variations in intensity of light। मतलब क्या होता है, दो light wave के मिलने से intensity maxima minima की form में redistribute हो जाती है। This is interference of light। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, बहुत important topic है, interference of light is the phenomena of redistribution of light energy due to superposition of two light waves coming from two coherent sources। तो यहां पर हमने दो लाइट वेव कंसीडर कर ली है, y1 = a sin ωt एंड y2 = b sin ωt + φ। इनका मेरे को कराना है इंटरफेरेंस, तो क्या करना होगा, इनको ऐड कर देना होगा। बिल्कुल सही है, ऐड कर देंगे सर, y = y1 + y2 a sin ωt + b sin ωt + देख रहे हैं आप हम कैसे सटासट तैयारी करते चले जा रहे हैं और इंटरफेरेंस हमारा पूरा होता चला जा रहा है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहां मैंने sin a + b के फॉर्मूले से एक्सपेंशन कर लिया। sin a + b होता है sin a cos b + cos a sin b, तो यहां पर a sin ωt तो ऐसे चीज रहा और ये कितना हो गया b sin ωt cos φ + b cos ωt sin φ। अब इन दोनों टर्म्स में से जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं, आई हैव टेकन sin ωt आउटसाइड, तो अंदर क्या बचा, a + b cos φ sin ωt + b sin φ cos ωt। अब देखो क्या है कि हमारी जो इंडिविजुअल वेव्स हैं वो तो साइन फॉर्म की हैं, तो हमारी जो रिजल्टेंट वेव आएगी जिसका हम एम्पलीट्यूड देखेंगे और जिसका फेज देखेंगे वो भी तो हमारा साइन फॉर्म में आना चाहिए। तो मैथमेटिक्स यहां पर लगाया है, इस इक्वेशन में
after using sin A plus B identity, I have assumed this A plus B cos phi as r cos theta and B sin phi as r sin theta. So I have, when I assume this, it will become r cos theta sin omega t plus r sin theta cos omega t. So यहाँ पर फिर ये sin A plus B की identity बनेगी और हम इसको लिख लेंगे r sin omega t plus theta. यही equation resultant wave की है, यही equation उस wave की है जो interference के बाद आई है. मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा interference of two waves का equation आ चुका है. अब मुझे ये देखना है कि ये इक्वेशन कब मेरे को ब्राइट फ्रिंज देगा, कब मेरे को डार्क फ्रिंज देगा, मतलब कब मेरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. सो स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन यहाँ पे आई है y इज इक्वल टू r sin ओमेगा t प्लस थीटा, ये इक्वेशन रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन है और आफ्टर इंटरफेरेंस ऑफ टू लाइट वेव्स दिस इज द इक्वेशन ऑब्टेंड. अब देखो, अगर मेरे को किसी वेव की इंटेंसिटी का पता लगाना है तो आपको याद रखना होगा कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. इंटेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. किसी भी वेव की एनर्जी उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. इंटेंसिटी ऑफ ए वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड. सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड. तो भैया इंटेंसिटी पता करने के लिए एम्पलीट्यूड भी तो पता होना चाहिए. अब मैंने एम्पलीट्यूड तो आपको बताया नहीं है. आप कहोगे सर आप कभी कुछ बताते नहीं हो और हमसे पूछते रहते हो. अरे भाई इसमें बताने वाली क्या बात है, इन एम्पलीट्यूड तो आर आसानी से निकल जाएगा. कैसे निकल जाएगा? देखो यहां पे आप देखो, आर साइन थीटा इज इक्वल टू बी साइन फाई और आर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस फाई. आपको आर साइन थीटा की बने और r cos थीटा गिवन है तो क्या r नहीं निकलेगा? इसमें आप दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाने वाला है, वो तो 1. सो r स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया. इफ यू स्क्वायर एंड ऐड दीस टू इक्वेशंस यू विल गेट r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos phi. सो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ चुका है और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारा इंटेंसिटी के बारे में बताएगा, क्योंकि हम एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर चुके हैं और इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos phi. इसी की हमें तलाश थी, इसी का हमें इंतजार था. अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है. अब मैंने को क्या करना है, कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट फ्रिंज. तो ब्राइट फ्रिंज कब आएगी? ब्राइट फ्रिंज तब आएगी जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी. भाई स्क्रीन पर ब्राइट लाइट कब आएगी? स्क्रीन पर ब्राइट लाइट तब आएगी जब इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी. तो इंटेंसिटी मैक्सिमम तब होगी जब cos phi की वैल्यू मैक्सिमम होगी, because a b आर कॉन्स्टेंट. तो cos phi मैक्सिमम कब होगा? जब उसका वैल्यू 1 होगा. तो phi इज इक्वल टू, मतलब ये नहीं है कि phi इज इक्वल टू 0 हो तो cos phi मैक्सिमम होगा, phi की वैल्यू 2 pi हो तो भी मैक्सिमम होगा, cos 4 pi भी मैक्सिमम 1 होता है. मतलब 0 और इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ pi में cos की वैल्यू 1 होती है. तो स्टूडेंट्स आप ये देखें कि मेरा फेज डिफरेंस 2n pi आ चुका है. तो यहां पर हमारा रिजल्ट निकल गया, जिस रिजल्ट की हमें तलाश थी, जो रिजल्ट हमसे पूछा जाएगा कि व्हाट शुड बी द फेज डिफरेंस, what should be the phase difference between two light waves so that a bright fringe is formed on the screen. फिर से सुन लो, in interference of light, what should be the phase difference between two light waves so that bright fringe is obtained on the screen. So phase difference should be 0, 2 pi, 4 pi and so on. So phase difference should be 0 or even integral multiple of pi. अब बात आती है पाथ डिफरेंस की. किसकी बात आती है? पाथ डिफरेंस की. तो पाथ डिफरेंस के लिए क्या होगा? देखो सिंपल सा फंडा है, ये एक वेव है और इसकी लेंथ है लैम्डा और एंगल है 2 पाई. तो यहां पर आप ये देखिएगा कि 2 पाई एंगल के लिए लैम्डा पाथ डिफरेंस है, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई. ओके, तो 2n पाई के लिए कितना हो जाएगा? लैम्डा अपॉन 2 pi into
2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, मतलब कितना आ गया n लैम्डा। तो मतलब पाथ डिफरेंस कितना हो गया, व्हाट शुड बी द पाथ डिफरेंस, सो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा। तो मतलब कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं ब्राइट फ्रिंज की बात करूं, तो मेरा एक रिजल्ट निकल के आ चुका है फॉर ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑन द स्क्रीन द पाथ डिफरेंस शुड बी जीरो और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। मतलब एन की वैल्यू कितनी है, 0, 1, 2, 3, तो ये कितना होगा 0 लैम्डा 2 लैम्डा एंड सो ऑन करके ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब ये हमारा आ गया ब्राइट फ्रिंज का। अब डार्क फ्रिंज के लिए क्या होगा, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मिनिमम होगी। तो मैं यहां पर इसको कर देता हूं द वैल्यू फॉर ब्राइट फ्रिंज, इसको यहां से निकाल के कर देते हैं फॉर डार्क फ्रिंज के लिए व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ cos phi शुड बी -1 बिकॉज इंटेंसिटी आई शुड बी मिनिमम। तो आई मिनिमम तब होगी जब cos phi -1 होगा। ओके तो यहां पर क्या होगा, तो phi का वैल्यू कितना आएगा 2n-1 pi। आपको ये मालूम है कि भाई cos में pi की वैल्यू, 3 pi की वैल्यू, cos pi, cos 3 pi, cos 5 pi सब -1 होता है। तो 2n-1 pi जनरल हमने लगा दिया और n की वैल्यू 1, 2, 3 आ गई और यहां से पार्ट डिफरेंस डेल्टा x आ गया 2n-1 लैम्डा बाई 2 यूजिंग द सिमिलर टेक्निक। तो जो पहली टेक्निक हमने मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस की थी, वही मिनिमा के लिए, डार्क फ्रिंज के लिए हमने कर ली है। और हमारा जो रिजल्ट यहाँ पर आ गया है कि फॉर डार्क फ्रिंज ऑन द स्क्रीन द डार्क फ्रिंज विल बी फॉर्मड ऑन द स्क्रीन इफ फेज डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव्स इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई 2n-1 pi एंड पाथ डिफरेंस शुड बी हाफ इंटीग्रल मल्टीपल 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो मतलब क्या होगा, देखो लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा अगर पाथ डिफरेंस होगा दो वेव के बीच में तो क्या बनेगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 होगा तो क्या बनेगी, डार्क फ्रिंज बनेगी। इस तरह से हमने कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस स्टूडेंट्स यहां पर कर लिया और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैंने यहां पर ऊपर लिखे हुए हैं कि भाई मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा, जब r मैक्सिमम a प्लस b होता है तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो i मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a प्लस b होल स्क्वायर, i मिनिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस b होल स्क्वायर। और यहां पर जो स्लिट का जो साइज है ना, ये स्लिट साइज होता है, अगर ये w1 w2 है तो जो इंटेंसिटी होती है इससे निकलने वाली लाइट की दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ, और i1 / i2 = w1 / w2 a² / b² हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ से जो मेरी इक्वेशन थी a² + b² + 2ab cos φ, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेज। सो i = i1 + i2 + 2√i1 i2 cos φ, और अगर दोनों सोर्स की इंटेंसिटी इक्वल है दैट इज इक्वल टू i0, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 4i0 cos²φ/2 सो स्टूडेंट्स ये हमारा यहाँ पर टॉपिक कवर हो गया जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें हमें कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ड्राइव करनी थी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक और इंटरफेरेंस का लास्ट टॉपिक है दैट इज एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। आपको मैं फिर से रिजल्ट बता देता हूँ कि रिजल्ट क्या है जो आपको याद रखना है। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑन द स्क्रीन फॉर ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन द पाथ डिफरेंस शुड बी जीरो और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। मतलब जो दो लाइट वेव्स हैं जो स्क्रीन के ऊपर ब्राइट फ्रिंज बना रही हैं, जो दो लाइट वेव्स हैं स्क्रीन के ऊपर सुपरपोजिशन की वजह से जो ब्राइट फ्रिंज बना रही हैं, उनके बीच में पाथ डिफरेंस होना चाहिए 0 लैम्डा 2 लैम्डा एंड सो ऑन, और फेज डिफरेंस होना चाहिए 0 2 पाई 4 पाई, मतलब 2n पाई, और इसी तरह से हमारा डार्क फ्रिंज का हो गया। तो अब जो फ्रिंजेस बनती हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में दे आर फॉर्मड कंसेक्यूटिवली, सेंटर में ब्राइट बनेगा फिर डार्क ब्राइट और सेंटर में ब्राइट नीचे डार्क ब्राइट, इस तरह से कंसेक्यूटिवली दे आर फॉर्मड। तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है स्टूडेंट्स, के एक ब्राइट के बाद जो नेक्स्ट ब्राइट है
उसके बीच का डिस्टेंस, मतलब फ्रिंज विड्थ इज द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। सो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस ब्राइट फ्रिंज का कितना डिस्टेंस है। तो फ्रिंज विड्थ में हम एनालिसिस कर लेते हैं पूरे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का, और यहां पर देखो बहुत सिंपल डायग्राम बनाया हुआ है। ये दो सोर्सेस है, स्लिट्स भी हम इसको कहते हैं, प्लेन स्लिट्स S1 S2। ये काफी इंटरेस्टिंग है, तो आप इसमें बोर फील ना करें स्टूडेंट, मतलब इंटरफेरेंस का मतलब मिलना है, तो मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस ये हो गया हमारा टॉपिक और आपके अच्छे मार्क्स इसमें स्कोर हो जाएंगे। और आप देखें इसे, मतलब S1 एक लाइट सोर्स है, S2 दूसरा लाइट सोर्स है, भाई दोनों से लाइट चलेगी तो कहां जाएगी, लाइट तो स्क्रीन पे जाएगी, लेकिन स्क्रीन पे जो लाइट जाएगी वो नहीं जाएगी जो मिली थी, बीच में कुछ धमाल मचाएगी, कुछ रंग जमाएगी, और मिलने के बाद जब यहां पर पहुंचेगी तो क्या रंग जम सकता है, क्या कमाल हो सकता है, क्या धमाल हो सकता है, या तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज बनेगी। भाई ब्राइट फ्रिंज बनेगी तो ब्राइट फ्रिंज का कंडीशन लगा दो, और डार्क फ्रिंज बनेगी तो डार्क फ्रिंज का कंडीशन लगा दो, बात खत्म हो गई। अब देखो, लेकिन उससे पहले कंडीशन किस पे लगाओगे, कंडीशन लगाएंगे पाथ डिफरेंस पे। तो पहले पाथ डिफरेंस तो निकालना पड़ेगा ना, तो पहले हम पाथ डिफरेंस को ही निकालते हैं। एल्जेब्रिक मैथमेटिकल सिंपलीफिकेशन है, S1 से लाइट P पर पहुंच रही है, S2 से P पर पहुंच रही है, तो कौन सी लाइट ज्यादा बड़ा पाथ ट्रेवल कर रही है, S2P वाली, बिल्कुल सही है S2P वाली। तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया, S2P माइनस S1P। अब यहां पर मैंने बहुत ही सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है स्टूडेंट्स। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सो S2P कितना हो गया, दिस डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, और S2P है तो उसकी पावर 1/2। ऐसे ही S1P कितना हो गया, डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर की पावर 1/2। यहां से हमने डी स्क्वायर को बाहर निकाल लिया तो यहां नीचे आ गया, ऐसे इसमें से भी डी स्क्वायर को आउट किया। अब बाइनोमियल थ्योरम में यहां पर यूज करूंगा। देखो क्या होता है, ये जो स्लिट साइज है और ये जो स्लिट सेपरेशन है और ये जो डिस्टेंस है ये मिलीमीटर में होती है और ये कैपिटल डी मीटर में होती है। सो दिस इज स्मॉल, when this term is small then power is multiplied। तो binomial theorem यूज करके और a square minus b square की identity यूज करके हमारा ये आ गया xt/d, ये आ गया path difference। क्या आ गया ये, path difference। अब देखो path difference तो ये आ गया, अगर ये maxima बन रहा है, bright fringe बन रही है, तो bright fringe का path difference लगा दो, मतलब xd की वैल्यू लैम्डा के बराबर होनी चाहिए अगर p पर मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो xn इज इक्वल टू आ गया n लैम्डा d/d। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, हमने ये निकाल दिया कि कोई भी मैक्सिमा का डिस्टेंस, किसी भी ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से कितना होगा। अब ये जो इक्वेशन है ये मेरी बहुत ही हरफन वाला इक्वेशन है। हरफन वाला इक्वेशन का मतलब ये है कि ये इक्वेशन मेरे को किसी भी ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से बता सकती है। अगर मेरे को फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस निकालना है तो मैं इनकी वैल्यू वन लिख दूंगा। देखो कितना मतलब अच्छा, कितना अच्छा फॉर्मूला है, बहुत ही भन्नाट तरीके से मेरे को बता रहा है। अगर मेरे को सेकंड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस चाहिए तो मैं इनकी वैल्यू 2 लिख दूंगा, x1 x2 इस तरह से मैं निकाल दूंगा। और मैंने अभी फ्रिंज विड्थ की आपको डेफिनेशन बताई कि भाई टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस, सो x2 - x1 तो 2 लैम्डा d/d। ये मेरा यहां पर फॉर्मूला आ गया फ्रिंज विड्थ का, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा d/d। तो जो असली खेल है, जो असली जो खिलाड़ी है वो कौन है, वो है पाथ डिफरेंस। पहले हमने पाथ डिफरेंस निकाला, अगर ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस निकालना है तो मैंने ब्राइट फ्रिंज वाली कंडीशन की पाथ डिफरेंस की वैल्यू पुट कर दी एन लैम्डा। और अगर मेरे को डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस, हमसे क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछा जा सकता है, हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस निकाल दो, हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि फला फला डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस निकाल दो, तो हम निकालेंगे भाई, हमारे पास फॉर्मूला है। तो हमने मिनिमा के लिए क्या किया, पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाई 2 लिख दिया, देखो ऊपर, और उसके बाद xn-2n-1 लैम्डा d/2 भी आ गई कंडीशन यूज करके। तो मेरे पास देखो क्या आ गया, अगर मेरे को ये इक्वेशन मालूम है xn-2n-1 लैम्डा d/2d, तो किसी भी डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस निकाली जा सकती है। तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस निकालनी है तो n को 1 पुट कर देंगे,
सेकंड डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस निकालना है तो इनको टू पुट कर देंगे, और दो कंजीक्यूटिव का निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, फ्रिंज विड्थ आ गया। तो देखो फिर से वही फॉर्मूला आया कि नहीं, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी। सो स्टूडेंट्स बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी इस चैप्टर का आधार कार्ड है, की कंसेप्ट है, की फॉर्मूला है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा। बीटा मींस फ्रिंज विड्थ, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, d is the distance of a screen from the double slit and small d is the separation between the two slits। तो ये हमारा निकल के आ गया। अब यहां पर क्वेश्चन सीधा नहीं पूछा जाएगा, कुछ कंसेप्चुअल घुमा फिरा के पूछ लेगा कि भाई डिस्टेंस अगर डबल कर दे स्क्रीन का, इंक्रीज कर दे डिक्रीज कर दे तो बीटा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स को चेंज करें तो बीटा पे रेड कलर की जगह अगर ग्रीन लाइट यूज करें तो बीटा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह का कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको बोलते हैं लीनियर फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं? लीनियर फ्रिंज विड्थ। कई बार एंगुलर फ्रिंज विड्थ के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है और इसी तरह का कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, दिस इज बीटा बाय डी, मतलब लीनियर होती है ना, यहाँ पे लीनियर है। इसको अगर इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एंगल हमारा आ जाएगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से, तो ये होती है लैम्डा बाय डी। तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्या समझते हैं कि जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है वो स्क्रीन डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, बट नहीं, एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा बाय स्मॉल डी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन। और यहां पर हमने ये इंटेंसिटी का ग्राफ दिखाया हुआ है, मतलब ये सेंटर में ब्राइट बनता है तो इसकी इंटेंसिटी काफी काफी ज्यादा होती है, उसके बाद जैसे जैसे हम स्क्रीन से ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे इंटेंसिटी मैक्सिमम कम होती चली जाएगी और इधर भी कम होती चली जाएगी। आप देख रहे हैं इधर मैंने पाथ डिफरेंस लिया है, तो पाथ डिफरेंस को लेंथ जीरो 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 के लिए ओके, और यहां पर चेंजेस इसका कर लेते हैं, यहां पर लैम्डा टू लैम्डा और ऐसे यहां पर माइनस लैम्डा माइनस टू लैम्डा पर मैक्सिमा मिल रहा है, पीक मिल रहा है ग्राफ में, और बीच में क्या मिलेगा लैम्डा बाय टू थ्री लैम्डा बाय टू, ऐसी माइनस लैम्डा बाय टू माइनस थ्री लैम्डा बाय टू पे क्या मिलेगा मिनिमा मिलेगा। तो इस तरह से हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट खत्म हो चुका है। आज की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, तो इसको आप सीरियसली प्रिपेयर कर लेना, आपको श्योरली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।